20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को राजनीति में एक लंबा अरसा हो गया है। शुरुआत से ही पायलट कांग्रेस में रहे हैं, उनके पिता भी कांग्रेस में थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके खून में कांग्रेस है। हालांकि पायलट को राजनीति अपने पिता राजेश पायलट से विरासत में मिली है, लेकिन विरासत में मिली इस राजनीति को पायलट ने अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन जिस तरह की बगावत इस वक्त पायलट ने छेड़ रखी है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के जगनमोहन रेड्डी बनेंगे। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। उन्होंने भी पायलट की तरह कांग्रेस में रहकर पार्टी से बगावत की थी। आज रेड्डी आंध्र प्रदेश की राजनीति के चमकते सितारे हैं। चाहे ये कहा जाए कि तीसरे मोर्चे को राजस्थान की जनता पसंद नहीं करती, लेकिन गहलोत के साथ ही कांग्रेस आलाकमान से भी बढ़ती उनकी दूरियां ऐसे ही संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस में उनका ज्यादा भला होने वाला नहीं है। पहले बात जगनमोहन रेड्डी और पायलट की कुछ समानताओं की करते हैं। पायलट और रेड्डी दोनों का ही जन्म 70 के दशक में हुआ था। दोनों के पिता ही आजीवन कांग्रेस में रहे। इसके अलावा ये भी संयोग ही रहा कि दोनों के पिता का निधन राजनीति के शिखर पर आकस्मिक दुर्घटना में हुआ। साथ ही दोनों ने ही अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली। दोनों ही 2000 के दशक में कांग्रेस में आए। इसके अलावा दोनों पहले सांसद बने, पायलट 2004 में तो रेड्डी 2009 में सांसद बने। इसके अलावा दोनों का ही युवाओं में काफी क्रेज है। इसके अलावा ये भी दिलचस्प ही है कि दोनों ने ही कांग्रेस आलाकमान से टकराव लेकर पदयात्रा निकाली। जगनमोहन रेड्डी ने अपने पिता की मौत के 6 महीने बाद एक उदारपू यात्रा यानी शोक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया था। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें उनकी पदयात्रा को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन जगन ने उनके आदेश को नहीं माना और ये कहते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया कि ये उनका निजी मामला है। इसके बाद जगन रेड्डी और पार्टी आलाकमान के बीच मतभेद गहरा गए। आलाकमान से मतभेद के बाद जगन रेड्डी ने एकला चलो की राह चुनी और अपनी नई पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की घोषणा की। इसमें उनके पिता का भी नाम जुड़ा था। इसके बाद वो चुनाव लड़े और आंध्र प्रदेश के सीएम बने। इधर पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया और उसके बाद 11 मई से पदयात्रा निकाली। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यात्रा पर एतराज जताया, लेकिन पायलट नहीं माने। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये उनका निजी मामला है। इसके अलावा आलाकमान भी उनकी शिकायतों को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है। सचिन पायलट के साथ अपनी कंपनी आईपैक के जरिए जुड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पायलट को नई पार्टी बनाने की सलाह दी है। इसका नाम भी आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर एसआरपी कांग्रेस पार्टी यानी सचिन राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी या फिर प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी रखा जा सकता है। पायलट डिप्टी सीएम बन चुके हैं और अब उनका अगला लक्ष्य सीएम की कुर्सी ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पायलट की अगली राह क्या होगी। क्या पायलट राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स पर हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।